हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू। और आज का यह जो सेशन है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है, तो आप सभी जुड़िए। और आज हम आपके बीच बहुत ही बेहतरीन जो मेरा चल रहा है सीरीज एपिसोड जो कहिए सुपर टॉप 5 क्वेश्चंस का, उसमें आज हमने नंबर सिस्टम के तहत सर्ट्स एंड इंडिसेस नाम के चैप्टर को आपके बीच 5 बहुत ही बेहतरीन और बहुत मज़ेदार प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। प्रश्न देखने से तो ये काफ़ी भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन सीखिए ताकि आगामी परीक्षाओं में आपके लिए यह एक बहुत ही उपयोगी मैटर साबित हो सके। तो क्लास आरंभ करने से पहले आपको ये भी जानकारी दे दूं कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच के लिए हमारे कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर सर मिस्टर राजशेखर झा जी से आप 9934849798 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए, मैं आपके बीच उपस्थित हो चुका हूँ और आज का यह पहला सवाल आपके बीच रख रहा हूँ। प्रश्न लिखा हुआ है कि रूट सीधा एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स, और ये पावर इनफाइनाइट टाइम्स चला गया है रूट अंडर एक्स, और दैट इज या जो वैल्यू है 1/36, तो कहता है x का मान बताइए। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, तो इसे समझने का हम लोग चेष्टा करते हैं। तो आप लोग आइए और देखिए, प्रश्न है कि x टू दी पावर, देखिए x टू दी पावर रूट अंडर x टू दी पावर रूट अंडर x टू दी पावर रूट अंडर x, और ये डॉट डॉट ये इनफाइनाइट का सिंबल दे दिया है। अब इतना बराबर आपको लिख दिया है 1/36। तो अब देखिए कि अगर आपको पता है कि रूट थ्री का कोई रूट थ्री से गुना करता है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम बार आपने इसे यूज किया होगा, इसीलिए हम इसे दिखा रहे हैं। तो आप कहते हैं थ्री, चूँकि रूट अंडर टू टाइम्स गुना होगा, तो वह रूट अंडर हटकर वह संख्या या जो भी वेरिएबल्स चर हैं वह वैल्यू आ जाएंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं दोस्त, कि इस एक्स को जो बेस एक्स है उसको आप ही कहिए कि क्या रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स हम लिख सकते हैं इस बेस को, और यह बेस को अगर ऐसा लिखा तो उसका पावर आपका रूट अंडर एक्स टू दी रूट अंडर एक्स टू दी रूट अंडर एक्स डॉट 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 ये बनता चला जाएगा पावर टू दी पावर पावर टू दी पावर, और ये इनफाइनाइट टाइम्स चला जाएगा। अब इसका वैल्यू ही आपका दे रखा है 1/36। अब इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब ये दोनों बेस, ये तो समझ गए, या जो एक्स है उस एक्स को हमने रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स लिखा, और ये पावर जो है सो यह एक्स ही गुना करके आएगा, तो इस पर हमने पावर वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम रख दिया। अब गौर कीजिए कि अगर पावर दिया हुआ है दोनों गुना पर, तो हम रूट अंडर एक्स का भी पावर कह सकते हैं क्या, तो रूट अंडर एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स, और समझिए यहाँ इनफाइनाइट तक, और इसी तरह यहाँ भी आप रूट एंड एक्स का पावर रूट अंडर एक्स ये इनफाइनाइट तक कह सकते हैं, और बराबर 1/36 जो है इसको आप इसी तरह दो फैक्टर में तोड़िए, तो इसे आप 1/6 × 1/6 कह सकते हैं। तो इससे क्या अभिप्राय निकलता है कि ये जो वैल्यू है रूट अंडर एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स, इसका भी वैल्यू 1/6 है,
और ये भी तो यही सेम चीज़ है, तभी यह वैल्यू 1/6 है। अर्थात यहाँ का जो हमारा एक्सप्रेशन है यह क्लियर कर दिया कि अगर रूट अंडर एक्स टू दी पावर आप रूट अंडर एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स इनफाइनाइट टाइम्स लिखते हैं तो इसका मतलब दोस्तों यह निश्चित ही 1/6 है। और अगर यह 1/6 है तो आपको अब कुछ भी करना नहीं है, अब आप ही कहिए कि रूट अंडर एक्स का पावर, अगर रूट अंडर एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स अगर 1/6 आया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि ये रूट अंडर एक्स अगर रख दूँ तो ये ऊपर का जो ये सब रूट अंडर एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स ये वैल्यू तो दोस्तों 1/6 ही दे रहा है। तो एक बेस वाला रूट अंडर एक्स रख कर यह संपूर्ण वैल्यू को आप इस पर बैठा सकते हैं 1/6 दैट इज 1/6। और ये रूट अंडर अगर हटेगा तो इसका मतलब एक्स का पावर 1/6 जो है उसको हाफ से गुना होगा बराबर 1/6। और इसका क्या मतलब होगा कि एक्स टू दी पावर 1/12 दैट इज 1/6। अर्थात इससे हमारा एक्स का पावर क्या आएगा तो 1/6 और टू दी पावर 12, यहाँ से यह 1/12 उधर चला जाएगा। अर्थात एक्स का मान हम -6 या उलट कर संख्या लिख सकते हैं पावर 12, और मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। बहुत ही बेहतर और सुंदर सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आपको यह समझदारी में आया होगा और आप बड़ा इत्मीनान पूर्वक प्रश्नों को समझ रहे होंगे। और आप फिर एक बार इसे समझ लें, कुछ भी नहीं है, एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स या इनफाइनाइट टर्म देखकर बराबर 1/36 है। तो हम ये जो एक्स आपका बेस है इस एक्स को हमने रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स लिख दिया, क्योंकि रूट अंडर एक्स का रूट अंडर एक्स से गुना करेंगे तो आप एक्स पाएंगे। तो यह बेस को हमने ऐसा बना लिया और इसका पावर ज्यों का त्यों रख दिया और ये बराबर तो 1/36 है ही। अब ये दोनों गुना का पावर को हम अगर सेपरेट कर दें तो रूट अंडर एक्स पर भी यही पावर और ये रूट अंडर एक्स पर भी यही पावर, और हम 1/36 को इसी तरह ये फैक्टर डबल में 1/6 × 1/6 लिख सकते हैं। अर्थात वास्तव में इस एक का मान 1/6, इस एक का मान 1/6, अर्थात रूट अंडर एक्स का पावर जो वैल्यू रूट अंडर एक्स पावर में है उसका मतलब 1/6। अब यहाँ पर रूट अंडर एक्स बेस को छोड़ दूँ तो ये भी तो रूट अंडर एक्स टू दी पावर रूट अंडर एक्स ही लिखा हुआ है जिसका मान है 1/6। तो हम 1/6 रख दिया, इतना का वैल्यू पावर का 1/6 बराबर 1/6 है ही। अब यहाँ देखिए कि एक्स का पावर अगर हम सीधा करूँ तो 1/6 पहले से था पावर, और रूट अंडर अगर हटाइएगा तो यह पावर ऊपर में 1/2 आएगा। अर्थात ये एक्स का पावर 1/12 जो बराबर 1/6 का है, और इस तरह एक्स का मान 1/6 का पावर 12, और अगर हम 1/6 को सीधा लिख दूं तो 1/6 दैट इज इनवर्स फॉर -6, और इस तरह आपका उत्तर ए आ जाएगा। मुझे लगता है कि प्रश्न बहुत ही बेहतर और शानदार था और आप इसे इत्मीनान पूर्वक समझे होंगे। आइए सर, मैं आपके साथ आ रहा हूँ दूसरा प्रश्न पर, और दूसरा प्रश्न इससे और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। सेकेंड प्रश्न जो आपके साथ है वह भी बड़ा शानदार प्रश्न है। रखा है यहाँ पर पावर ऑफ शर्ट्स 3 रखा है सब जगह 3 3, और बीच का वैल्यू दे रखा है 11, और पूछता है बराबर 121 टू दी पावर के रख कर पूछ रहा है के का मान बताइए। तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको सिखाऊं कि मैं पहले इस प्रश्न को नोट कर लेता हूं। तो प्रश्न अगर नोट कीजिएगा
1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए प्रश्न है यहाँ पर कि 3 है 11 है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 and 5। यहाँ पर पावर ऑफ सर्ट सारे प्रश्न में 3 रखा है और दैट इज 121 to the power k। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसा प्रश्न जब ही दिखाई दे तो आप क्या करें वो समझ लें। आप भीतर में दी गई जो भी संख्या है 11 11 11 जो रिपीट किया है पावर को छोड़कर, तो वह 11 लिख दें और इसका पावर क्या करें। तो यहाँ पर देखें कि ये जो भी पावर है उसको गुना करें, 3 3 9 3 27 3 81 81 3 243, तो इसे लिखें 1/243। अब पहला 3 का काम हो गया, दूसरा 3 लीजिए, 3 3 9 3 27 3 81, तो यहाँ लिखें 1/81, बीन जोड़ करते चलें। 2 ठो 3 का काम हो गया तो अब तीसरा 3, 3 3 9 3 27, तो लिखें 1/27 दोस्त। फिर अब 1 2 3 काम हो गया तो चौथा काम लेंगे तो 3 3 9, तो 1/9। आप प्लस लास्ट वाला 3 1/3 लिख दें पावर में और ये बराबर आपका है 121 का पावर k। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 11 का पावर एलसीएम आपका क्या बनेगा, तो कहिएगा 243। अब 243 से भिनजोड़ बनाइएगा तो यहाँ 1, यहाँ 81 से भाग लगाइएगा 3, यहाँ 27 से भाग लगाइएगा 9, यहाँ 9 से भाग लगाइएगा 27 और यहाँ 3 से भाग लगाइएगा तो 81। और अब आपको कुछ करना ही नहीं है और ये आपका बराबर आ गया दोस्त 121 पर पावर k, जो गिवन है क्वेश्चन में दिया है। अब इसको एक बार जोड़ लें, 3 1 4 9 4 13 7 20 1 21, तो लिखेंगे 11 का पावर, यहाँ तो 243 होगा ही, और 1 7 8 9 17 3 20 1 21, 1 2 8 10 2 12, तो ये आ गया 121। और यहाँ देखिए ये लिखा है 121 का पावर k, तो इसको आप 11 का पावर 2 लिख सकते हैं और ऊपर में पावर k से गुना, दोनों तरफ सेम बेस कट गया। तो अगर 121/243 आपका 2k होगा तो k निकालने के लिए 121 ऊपर में ही है और 2 से इसको क्रॉस गुना करें तो 243 दुनी आप बोलेंगे 486, और k का वैल्यू 121/486 जो आपका ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। मुझे लगता है आज का यह क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार और जानदार लगता होगा और बहुत ही मुझे विश्वास है कि आप इसे इस टेक्निकल अप्रोच को समझ भी रहे होंगे। और चूंकि परीक्षाओं का जो करवट लेना हो रहा है, करवट बदलता जा रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके साथ इन प्रश्नों का समावेश कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आप बड़ा इत्मीनान पूर्वक प्रश्नों को समझ रहे होंगे। दोस्तों बिना देर किए हुए मैं यहां कुछ नहीं किया, एक बार समझा दूं, जो भीतर में था रूट अंडर का हुआ बेस 11 रख लिया और यहाँ से शुरू किया 3 3 9 3 27 3 81 3 243, तो यह पावर में 1/243। पहला 3 का काम हो गया तो दूसरा 3 लेंगे तो 3 3 9 3 27 3 81, तो 1/81। अब यह तीसरा 3 लेंगे तो 3 3 9 3 27 1/27, प्लस करते जाएंगे ये अंक, चौथा लेंगे 3 तो 3 3 9 1/9, और लास्ट वाला 3 1/3 दे देंगे, इसका भिन्न जोड़ किया तो
तो 11 का पावर 121 बटे 243 आया, और 121 को तो आप 11 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, और वह पावर में के तो 2k, 11 बेस और 11 बेस बराबर के दोनों साइड कट गया। अब 121 बटे 243 बराबर मेरा 2k बचा, के बराबर 121 बटे 243 दूनी 486। मुझे बहुत विश्वास है कि प्रश्न की बारीकी को आप बड़ा ढंग से समझ रहे होंगे, और इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको आज के बाद दिखाई पड़े तो मुझे लगता है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते। निश्चित ही वीडियो देखते समय कॉपी कलम लेकर प्रश्न को ज़रूर उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। प्रश्न संख्या तीसरा आपका आ रहा है। देखिए, तीसरा, चौथा और पांचवा मैंने ये तीन प्रश्न लगातार रखा हूँ, तो इसके लिए आपको समझा दूँ कि प्रश्न का प्रारूप रूप सब देखिए एक ही जैसा है। तीन और चार में प्लस प्लस वाला क्वेश्चन है, और पांचवा में ये माइनस का क्वेश्चन है। आपको कुछ भी नहीं करना है ऐसे प्रश्न में। जैसे तीसरा प्रश्न है तो तीसरा प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि रूट अंडर रखा है 1, 2, 3, 4 बार। अब वो चार बार तो दिखाया है आपको 1, 2, 3 और चार बार तो आपको दिखाया है दोस्त, लेकिन ये तो रियल में इनफाइनाइट कर दिया है इसको, तो ये तो टाइम्स इसका इनफाइनाइट है, तो आप इसके लिए कुछ ना करें। इसका उत्तर देने का तरकीब है कि अगर यहाँ जो भी संख्या दी गई है उसको रूट अंडर में लिख कर चार से गुना कर दीजिए। हमेशा हमें ऑलवेज इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4। द नंबर दैट इज रिटेन अंडर रूट दैट विल बी मल्टीप्लाइड ऑलवेज विथ 4। उसे आप हमेशा चार के ही साथ गुना कर लीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, इसके अंदर में ही रूट अंडर में ही एक को जोड़ लीजिए, और इसके बाद बट्टा का चिन्ह लगाइए। और अगर ये प्लस प्लस का केस है तो इसमें अलग से एक प्लस रूट अंडर के बाद जोड़ दीजिए। हमेशा एक ही जुटेगा, गुना हमेशा चार से ही होगा, या चार का गुना और या लास्ट में प्लस एक होना सब में तय है, और दो से भाग लगा दें। अगर यहाँ प्लस के बदले दोस्त माइनस होता तो यहाँ प्लस वन न करके आप माइनस वन करते। अब 31 का चार से गुना 124 होगा, और 124 में एक जोड़ेंगे तो 125 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि यह रूट अंडर 125 अब प्लस 1/2 है, और 125 का मतलब क्या होता है, तो 125 का मतलब 25 × 5 मतलब 5√5 प्लस 1/2। और अब आंसर देखें तो 5√5 अब प्लस 1/2 न देकर यहाँ माइनस दिया हुआ है। अब ऑप्शन कितना कन्फ्यूज है वो देखिए, यहाँ प्लस 1 है और आपका आंसर आया -1, लेकिन वह सी ऑप्शन सरासर गलत है। कैसे, तो अगर ये 2 से भाग है तो दोनों पदों को दे दें, तो 5 में 2, इसको आपको सेपरेट अगर दिखाऊं तो आप 5√5/2 आप प्लस 1/2 ऐसा कह के बोल सकते हैं। तो मैं आपको यह दिखा रहा हूँ, नहीं तो उचितन 2 से इसमें और इसमें अलग अलग भाग लगेगा, तो 5 में 2 से भाग लगाइएगा तो यह 2.5√5 होगा, और 1 में 2 से भाग लगाइएगा तो यह आपका 0.5 होगा। और देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही रखा हुआ है दोस्त, और बहुत ही सुंदर प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी हितकारी और आने वाले परीक्षा के लिए निश्चित ही मंगलकारी साबित होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए बिना देर किए हुए आपके साथ इसी तर्ज पर, यही फिल्मी धुन पर आपका प्रश्न चौथा आश्रित है, जिसे आप बड़ा मज़े में बनाएं। और टाइप हमने आंसर जो डिफरेंट टाइप के आंसर्स आ रहे हैं आज परीक्षा में, क्वेश्चन की प्रकृति या नेचर तो सेम रहता है,
लेकिन आंसर इस टाइप से डिफरेंट कर देता है कि हम आप कंफ्यूज कर जाते हैं। इसीलिए हमने ये तीन प्रश्न, तीन चार पाँच का जो सिलेक्शन किया, वह ऐसा नहीं कि अब तीन बनेगा तो जैसे अभी बनाया वैसे ही, लेकिन इसमें आंसर जो है सो कुछ इससे भी डिफरेंट है। तो ऐसे आंसर को क्या इसे समझेंगे और इसे कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए ही मैं ये टाइप क्वेश्चन का चुनकर आपके बीच रख दिया हूँ। तो आइए समझिए। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन चौथा जो आपके बीच है, वह एक दो तीन चार आपका है कि रूट अंडर 14 को या देखिए कि चार बार दर्शा दिया है, एक दो तीन और एक चार, ये दर्शाया है चार बार, लेकिन कहा जाए तो ये तो इनफाइनाइट टाइम्स लिख दिया है। अब आप इसमें अभी अभी जो बताया था तो सबसे पहला काम बट्टा में 2 ही लिख देता हूँ और इसके बाद रूट अंडर हम भी डालेंगे और ये 14 जो लिखा हुआ है इसको 4 से गुना करेंगे और इसमें हमेशा सदैव 1 जोड़ेंगे, चूँकि प्लस का केस है तो बाहर में +1 या भीतर में प्लस ही रहेगा या कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन यह रूट अंडर के बाहर वाला जो साइन है, अगर यह प्लस है तो प्लस होगा और अगर ये माइनस माइनस होता तो यहाँ हम माइनस ही रखते। अब यहाँ पर देखिए तो ये 14 चौका 56 157, तो यह रूट अंडर 57 और +1/2 का केस हो गया। अब आपको करना क्या है कि इसका वैल्यू तो यहाँ पर कोई देखिए आंसर लिख रहा है कैसा, तो इसमें आपको क्या करना है कि रूट अंडर 57 जो है इसको आप ऐसा दो संख्या के बीच में फंसा दें जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अगर मैं देखूं 88 64 और 7 7 49, तो इसका मतलब यह 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में ही तो है। रूट अंडर 57 को 7 7 49, तो रूट अंडर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो कहेंगे रूट अंडर 57 कहेंगे 7 का स्क्वायर 49, रूट अंडर 49 और रूट अंडर 64, या यूँ कहें कि 57 49 और 64 के बीच है। इसका मतलब ये जो 49 से ये क्या है, तो 49 से ये क्या है ज़्यादा है, और यह 64 से क्या है, तो कहेंगे 64 से ये कम है, 64 से ये क्या है कम। ऐसा दो अंक का आप सिलेक्शन कर लें और अब यहाँ पर क्या करें दोस्त, तो 57 का एक वैल्यू ले लें 7, तो कहेंगे 7 + 1/2, और एक वैल्यू ले लें 8, तो 8 + 1/2, और इसका मतलब 7 1 8/2 का मतलब 4 और 8 1 9/2 का मतलब 4.5, अर्थात 4 और 4.5 इसके दोनों उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। मुझे लगता है मेरे दोस्त कि आप लोगों को प्रश्न बिल्कुल ही ढंग से समझ में आ रहा होगा और बड़ा इत्मीनान पूर्वक ये टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के प्रश्नों को आप परीक्षा में सॉल्यूशन ले सकते हैं। मुझे पूरी विश्वास है कि आपको आज का यह सेशन निश्चित ही बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए बिना देर किए हुए मैं आपके साथ लास्ट क्वेश्चन पर अटेम्प्ट ले रहा हूँ, जिसे आप लोग भली भांति समझें सीखें जाने। पांचवा प्रश्न में 3 4 5 मैं पहले ही बोल दिया था कि 3 4 5 सेम क्वेश्चन है, लेकिन देखिए आंसर कैसे भैरी कर रहा है और हम नई नई बात सीख रहे हैं। ए में देखिए कि लिखा हुआ है 1 2 3 4 टाइम्स दर्शाया है, लिख दिया है कि ए का मान जो है यहाँ पर √10 - √10 - √10 - √10 ये 4 बार तो आपको दर्शाया है, इसके बाद डॉट डॉट रख दिया है, कहता है ए का मान आपको क्या है सही बताइए। आप वही चीज़ करेंगे, तुरंत यहाँ बट्टा में लगा देंगे 2, रूट अंडर डालेंगे, यहाँ 10 है तो 10 का गुना 4 से करेंगे, इसमें रूट अंडर के अंदर
इसमें चिन्ह माइनस का आया है, लेकिन रूट अंडर के अंदर प्लस करना ही करना है, लेकिन अब बाहर यहाँ माइनस हो जाएगा चूंकि चिन्ह माइनस का था। अब कहेंगे 10 चौका 40 एक 41, तो यह रूट अंडर 41 माइनस 1/2 आया। अब देखिए कि रूट अंडर 41 जो मेरा 41 है, यह किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है? तो अगर मैं इसे देखूं तो कहूं 6 का स्क्वायर होगा 36 और हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो कहेंगे 41 जो है ये 36 और 49 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके बीच वेरी लाई करता है रात है। तो इसका मतलब एक बार रूट 41 का मतलब हम 6 रख लेंगे तो 6 माइनस 1/2, और एक बार इसका मान हम 7 रख देंगे तो 7 माइनस 1/2, 6 में एक गया 5/2 और 7 में एक गया 6/2 का माने 3, अर्थात 5/2 का माने 2.5 और 3 इसके 2 आंसर आया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 2.5 तो आपका छोटा वाला वैल्यू लिया था ना 6 आपने, तो 2.5 जो आया वो छोटा वाला वैल्यू। तो देखिए लिखा हुआ है कि 2.5 इज लेस देन ए एंड ए जो है वह लेस देन 3, अर्थात यह 2.5 और 3 के बीच में इसका वैल्यू लाइक करता है आता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज का यह सत्र मात्र 5 प्रश्नों का, जैसा कि हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि हम 5 प्रश्नों के साथ प्रयास कर रहा हूँ प्रतिदिन आपके बीच उपस्थित होने का, और आप सभी पूरे मस्ती में झूमते हुए इन 5 प्रश्नों का तैयारी अपने अन्य तैयारियों के मध्य इसे जोड़ते चले। आने वाला परीक्षा निश्चित ही सफलतादायक होगा, यह मेरी आपके लिए कामना है। आज दीजिए हमको दोस्तों विदा, और अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी व्यूअर हो वह लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना रखिएगा ख्याल। फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।